इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालें। जैसे कि कोई नंबर हो और उसका हमें यूनिट डिजिट निकालना हो, जैसे कि पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं 3 की पावर 65 मल्टीप्लाई 6 की पावर 59 मल्टीप्लाई 7 की पावर 71। तो इस तरह के नंबर दिए रहेंगे, हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना होगा। दूसरा केस ये बनता है कि कोई नंबर दिया रहेगा, फिर मल्टीप्लाई किया रहेगा दूसरे नंबर से, और फिर वैसे ही वो मल्टीप्लाई चलते जाएगा और हमें उसका यूनिट डिजिट निकालना होगा। तीसरा में हमें कोई एक सिंगल डिजिट नंबर दिया रहेगा और उसका पावर दिया रहेगा और उसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालते हैं इसे। तो हमारा केस फर्स्ट है 1 की पावर b, तो उसमें a को हम लोग बेस कहते हैं और b को एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला केस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर हमारा बेस 0 है 1 है 5 है या 6 है और इसकी हमें कुछ पावर दी गई है, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो सेम ही नंबर हो जाता है। पावर कुछ भी रहे, अगर बेस में यूनिट डिजिट हमारा 0156 है तो उसका जो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा वो 0156 ही मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं हम लोग 586, इसका पावर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जैसा कि आपने देखा 5 8 6 में हमारा यूनिट डिजिट 6 है, तो उसका हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो 6 ही आएगा। इसमें से कोई भी नंबर हो, पावर कुछ भी हो उसका, वो हमें वही नंबर मिलेगा। जैसे 586 में 6 हमारा यूनिट डिजिट, तो उसके पावर कुछ भी हो हमें 6 ही मिलेगा यूनिट डिजिट पे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 1 2 3 4 5 1, यूनिट डिजिट पे हमारा 1 है आप देख सकते हैं, और इसका हमने पावर ले रखा है 7 8 9 3 2, तो इसका यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा। 0 1 5 6, अगर ये यूनिट डिजिट में है और पावर कुछ भी हो, हमेशा हमें यूनिट डिजिट में वही नंबर मिलेगा। दूसरे केस में हम पढ़ेंगे नंबर 2 3 4 7 8 9, अगर ये यूनिट डिजिट पे रहे और इसका पावर कुछ रहे तो कैसे हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे उस नंबर का। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, एक में रिमाइंडर 0 और एक में रिमाइंडर 1 2 3। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको निकालते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए 5 4 6 7 और इसका पावर मान लीजिए 5 6 4, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने इस नंबर को, पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो इस नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से डिविजिबल है क्योंकि आखिरी दो डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर 0 हो गया। और जिस नंबर का रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके यूनिट डिजिट का पावर हम लोग 4 कर देते हैं। यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट था 7, तो उसका पावर 4 कर देंगे अगर रिमाइंडर 0 हो तो। अगर रिमाइंडर 1 2 3 हो तो उस नंबर का पावर वही लिख देते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। अगर उसका रिमाइंडर 7 का अगर 1 आता तो हम लोग 1 लिख देते हैं, अगर 2 आता तो 2 लिख देते हैं, 3 आता तो 3 लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। आगे मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। 58769 ये हमारा नंबर है, और मान लीजिए इसका पावर 100 है, तो 100 आपको पता है कि 4 से डिविजिबल है पूरी तरह से, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा उसमें हम लोग 9 की पावर 4 लिख देंगे। तो 9 की पावर 4 का अब हमें निकालना है इसके नंबर का यूनिट डिजिट। तो 9 को 4 लिख सकते हैं, 9 की पावर 2 9 की पावर 2, तो 81 गुने 81, आखिरी डिजिट को देखें दोनों नंबर में 1 इंटू 1, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। तो इस तरह से निकालेंगे, जैसे ही रिमाइंडर अगर 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो गया तो उस नंबर का पावर हम लोग 4 कर देंगे। दूसरा केस बनता है जहाँ पर रिमाइंडर 1 2 3 हो, तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 3 4 7, मान लीजिए इसका पावर 101 है, तो आपको पता है इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, 25 गुने 4 प्लस 1 1 हमारा रिमाइंडर हो गया, तो हम लोग इसमें लिखेंगे 7 की पावर 1, जो रिमाइंडर रहेगा वो हमें यूनिट डिजिट के पावर में चढ़ा देंगे। और मान लीजिए 102 रहता तो 7 की पावर 2 रहता, अगर 103 रहता तो 7 की पावर 3 रहता, तो आखिरी डिजिट हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे 7 की पावर 3 4 3 होता है तो 3 हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। तो 2 3 4 7 8 9 के केस में जो भी पावर आता है उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर के अनुसार हम उसे सॉल्व करते हैं। 0 आता तो उस नंबर की पावर 4 कर देते हैं, बाकी कुछ भी आता है तो उसकी पावर 1 2 3 हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग डिजिट 4 एंड 9 का देखने जा रहे हैं, ये थोड़ा और भी आपके कैलकुलेशन को फास्ट कर देगा। देखिए 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 3 होता है 64, 4 की पावर 4 होता है 256। तो आप इसमें देखेंगे कि एक पैटर्न बन रहा है, अगर 4 की पावर 1 है तो 4 हो गया, 4 की पावर 2 है तो 16 हो गया, तो यूनिट डिजिट हो गया 6, 4 की पावर 4 है तो 256 हो गया, तो उसमें हो गया यूनिट डिजिट 6 हो गया।
चार की पावर दो है तो 64 हुआ, चार की पावर सॉरी तीन है तो आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ, दो चार छः चार उसकी पावर एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये नंबर जो है जो पावर में है वो इवन नंबर है। अगर इवन है तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा फोर का वो हो जाएगा सिक्स, अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा फोर। जैसे चार की पावर दो है तो हमारा जो यूनिट डिजिट हुआ था वो छः हुआ था, तो यहाँ पे जो पावर है हमारा वो इवन नंबर है। उसी तरह नाइन का हम लोग देखते हैं, नाइन की पावर एक हो गया हमारा नौ, नौ की पावर दो हो गया 81, उसी तरह नौ की पावर तीन हो गया 729, नाइन की पावर चार हो गया 729×9। तो आप इसका सिर्फ यूनिट डिजिट देखें, बाकी आगे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तो एक नंबर आएगा जिसका यूनिट डिजिट वन होगा। तो आप देख सकते हैं अगर ये ऑड डिजिट है, अगर पावर अगर ऑड है तो हमें नौ मिलता है, अगर इवन है पावर तो हमें एक यूनिट डिजिट मिलता है। तो फोर और नाइन में हम लोग ये याद रख लेंगे, अगर नौ की पावर इवन है तो हमें यूनिट डिजिट वन मिलेगा, अगर ऑड है तो हमें यूनिट डिजिट नौ मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, पाँच चार छः नाइन एंड उसकी पावर कुछ भी लिख ले लीजिए आप, मान लीजिए एट है, अगर इवन है तो आपको मैंने बताया कि यूनिट डिजिट वन हो जाएगा, अगर नंबर ऑड है जो कि पावर में है तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो नौ हो जाएगा। तो इवन नंबर था इसलिए एक हो गया, अगर इसे हम लोग ऑड कर देते हैं नौ ऑड नंबर हो गया पावर में तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो एक नाइन नंबर आएगा। चलिए हम लोग अब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो हमने आपको पहले दिखाया था, कुछ क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं पेपर में। तो तीन की पावर छः पाँच, तो तीन की पावर छः पाँच हमने बताया था आपको कि इसमें क्या करना है, चार से डिवाइड करेंगे उसको, तो 16 चौको 64 प्लस वन होता है, तो एक हमारा रिमाइंडर हो गया, तीन की पावर एक हो गया। तो फिर दूसरा है हमारा छः, तो मैंने आपको बताया था कि छः की पावर कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट छः ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा छः हो गया। फिर हमारा सात की पावर इकहत्तर, तो सात की पावर इकहत्तर है तो हमें सिर्फ इकहत्तर को चार से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 16 चौको 68 प्लस तीन होता है, तो तीन हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। आपको डिवाइड करना तो आता होगा, इतना मैं आपको मान के चल रहा हूँ, सॉरी 17 चौको 68 प्लस तीन हो जाएगा, तो सात की पावर तीन हो जाएगा, तो तीन गुने छः गुने सात की पावर तीन, तीन छक 18 हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट 8 हो गया, और सात की पावर तीन होता है 343, उसका हो गया 343। तो आखिरी डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि होगा 8 या 24, तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आ गया। आगे मूव करते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है 4 और यहाँ पे यूनिट डिजिट है 8, तो 8 गुने 4 हो गया 32, तो इसमें से हम लोग तीन को छोड़ देंगे और दो को देखेंगे क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं, 7 × 3 हो गया 21 हो गया, तो इसमें हम लोग दो को छोड़ देंगे एक को देखेंगे, और एक और दो को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों यूनिट डिजिट को, तो हमारा दो आ जाएगा यूनिट डिजिट। फिर इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तीसरा में देखते हैं, हमें पावर में दे रखा है, तो हमने कहा था कि अगर जो केसेज है 2, 3, 4, 7, 8, 9 उसके पावर को हम लोग चार से डिवाइड करेंगे। चार से डिवाइड करने का रूल आपको पता होगा, अगर आखिरी दो डिजिट अगर चार से डिवाइड कर सकते हैं तो वो उसका रिमाइंडर जीरो आता है, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है, तो उसके हम लोग सात की पावर चार लिख देंगे, तो सात की पावर दो को लिख सकते हैं हम लोग 49 में हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे जो कि है 9 9 9 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 होगा, 81 का यूनिट डिजिट हो गया 1। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।